और इस बीच दंतेवाड़ा से एक बड़ी खबर मिल रही है, अगवा नवजात बच्ची मिली है। 18 दिन पहले हुआ था बच्ची का अपहरण, पुलिस ने बच्ची को जगदलपुर से बरामद किया है। सीसीटीवी कैमरे की मदद से बच्ची मिली, पुलिस ने अगवा बच्ची को सही सलामत खोज निकाला है। बच्ची सही सलामत है, एसपी गौरव राय ने ये बयान दिया है इस विषय में कि बच्ची सही सलामत है। तो आपको बता दें कि सीसीटीवी कैमरे की मदद से बच्ची को ढूंढ पाना आसान हुआ, लेकिन अगवा नवजात बच्ची मिल गई है। 18 दिन पहले हुआ था बच्ची का अपहरण, दंतेवाड़ा से ये खबर है। पुलिस ने बच्ची को जगदलपुर से बरामद किया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी पंकज भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, आपसे समझना चाहेंगे इस पूरे मामले को विस्तार के साथ, ये बच्ची का अपहरण, कौन थे अपहरणकर्ता, हालांकि बच्ची सही सलामत मिली है, बड़ी राहत की बात है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? दरअसल सोनल, अपने दर्शकों को हम बता दें कि ये जो घटना है आज सवेरे की है, बचेली के रेलवे कॉलोनी से पूरा मामला निकल करके सामने आया। जैसे ही अपहरण की बात निकल करके आई, पूरे जिले की पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। दंतेवाड़ा के एसपी, एडिशनल एसपी, एसडीओपी से लेकर के तमाम आला अधिकारी वहां पर पहुंच गए। डॉग स्नैपर लगाया गया, खोजबीन पड़ताल शुरू की गई। पता चला कि पास की ही किसी एक महिला के ऊपर शक जताया जा रहा था, जो बच्ची को अगवा करने के बाद लेकर के निकली थी। पास के ही जो जगदलपुर थाने से भी, जगदलपुर जिले से भी मदद ली गई। आसपास के सीसीटीवी खंगाले गए तो बच्ची को ले जाते हुए ट्रेस किया गया, जिसके बाद जगदलपुर के आड़ावाल से बच्ची को सही सलामत पुलिस ने बरामद कर लिया। ये भी बता दूं मैं अपने दर्शकों की, क्योंकि दंतेवाड़ा जिले में ये दूसरी घटना है। 18 दिन पहले भी एक ऐसे ही मामला हुआ था, जिसमें पोंदुम गांव में एक बच्चे का अपहरण हुआ था, जो आज तक पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को पकड़ने में कामयाबी हासिल नहीं की, लेकिन इस बार पुलिस ने पूरी तत्परता दिखाई और सवेरे से ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर लगे थे और उनकी तत्परता का अंजाम है कि बच्ची को समय से सही सलामत बरामद कर लिया गया। जी जी पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।